सिद्धार्थनगर जिले के इटावा तहसील क्षेत्र के खिरहिटिया में पीड़ित ने गांव के कुछ लोगों पर 25 तारीख की रात घर में घुसकर ताला तोड़कर सामान उठा ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि 2011 में मेरे स्वर्गीय चाचा भगवान भवनाथ मिश्रा ने मुझे बैनामा किया था, लेकिन गांव के ही भंडारी यादव मुलायम यादव ने घर का ताला तोड़कर घर का सामान उठा लिया और घर पर कब्जा कर लिया, जबकि इस घर का मेरे पास कागज है। इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से भी की है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जहर खा लूंगा। वहीं इसको लेकर डुमरियागंज CEO राणा महेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, दोनों पक्ष अपना होने का दावा कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है, मैं ग्राम खिरहिटिया का रहने वाला हूं। सन 2011 में हमारे स्वर्गीय भवनाथ मिश्रा हमारे प्रमोद मिश्रा जी को अपना घर अपना जमीन बैनामा कर गए थे। रात तारीख 25 तारीख को ग्राम खिरहिटिया के रहने वाले भंडारी यादव, उनकी पत्नी, उनके समस्त परिवार और यादवगढ़ सब मिलकर के रात में ताला तोड़ करके उसमें रखा हुआ सारा सामान चोरी कर ले गए, दरवाजा तोड़ दिए और सारा सामान चुरा करके घर पे हमारे कब्जा कर लिए हैं। वो मकान पर पंडित पक्ष अलग दावा कर रहा है, यादव पक्ष अलग दावा कर रहा है। हमारा है इस संबंध में हम पुलिस प्रशासन द्वारा 145 की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी इटावा को दिया जा चुका है। आवश्यक कार्रवाई करके निर्धारण करें कि जमीन मकान किसका है। इसमें पुलिस प्रशासन केवल शांति व्यवस्था बनाए रखेगी, पुलिस प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस मामले में चूंकि रेमुनू का प्रकरण है, इस मामले में SDM इटावा से संबंध स्थापित किया जा सकता है कि प्रकरण में क्या। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।